आप द प्रिंसिपल के एडिटर हैं, प्रिंसिपल हैं। आजी मैं बताता हूँ। देखिए, अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको मानना चाहिए कि वो गलत थे, तो भाई राजीव गांधी बोस में चोर थे, कोर्ट ने ही वर्ड किया। मान लिए ना कि वो कोर्ट ने उनको वर्ड किया तो ईमानदार थे, उन पर नहीं थे, मैं मान रहा हूँ। धुआं उठ रहा है तो आग होगी। आग होगी, लेकिन बर्फ में भी धुआं उठता है, वहां आग नहीं होती है। बर्फ में भी धुआं उठता है, वहां आग नहीं होती है। ठीक है, इसका भान है सर, अब ये दर्शन शास्त्र का विषय हो जाता है। नहीं, ये लॉजिक है, ये लॉजिक की बात है। आप जिस लॉजिक से बात कर रहे हैं उसी लॉजिक से मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, आप सिलेक्टिव लॉजिक नहीं कर सकते हैं। अगर अगर आप, मैं मान लिया आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने एग्जोनरेट किया, तो फिर भी मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हैं कि नहीं कोर्ट ने छोड़ दिया, फिर भी हमको लगता है कि उनका वो था। तो भाई अगर कोर्ट ने उनको छोड़ दिया तो राहुल गांधी भी ने 64 करोड़ खाए थे, उन्होंने देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, आदमी इतना सम्मान क्यों देते हैं? वो उन्होंने तो मान लीजिए एक प्रदेश में किया, यहाँ तो पूरे देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। इस तरह के आदमी को आपको घृणित मानना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते। में वही तो काम आई थी जी, सेम लॉजिक में वही तो काम आई थी। नहीं, उससे मतलब नहीं है भाई। उसी मुख्यमंत्री ने दंगा रोका, बावजूद इसके दो कांग्रेस सरकारों से पुलिस मांगी गई और दोनों ने मना किया। तो आप जब एक पर एक लॉजिक लगाइएगा, दूसरे पर दूसरा लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। आपको एक ही सेट ऑफ रूल्स से ही किसी चीज करते हैं। आप कांग्रेस के लिए कोई दूसरा रूल और बीजेपी के लिए कोई दूसरा रूल कीजिएगा तो गड़बड़ होगा। और यही हमारी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का सबसे बड़ा वो है कि हम कांग्रेस बीजेपी के छोटे उस पर भी उनको बड़ा बना देते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम सारे लोग क्या बोलते हैं, एक्शन का रिएक्शन हुआ, नूपुर शर्मा ने कहा तो इसलिए पूरे देश भर में दंगे हो गए। हम आप पे किसी कीमत पड़ती है, कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, उनको ह्यूमन राइट्स की बात होती है, नहीं करते। यही सेलेक्टिविटी है, यही हमारा ढकोसलापन है, यही हमारी दोगली पत्रकारिता है। इसलिए हम हमारी क्रेडिबिलिटी गई है। इस क्रेडिबिलिटी को बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमको ईमानदारी के साथ हम बात करेंगे, नहीं तो हमको कहेंगे, कोई कहेगा गोदी मीडिया है, कोई कहेगा दरबारी मीडिया है। तो जो दरबारी मीडिया है वो खुश रहे, जो गोदी मीडिया है वो खुश रहे, और जो इससे चिढ़ते हैं, जो दरबारी मीडिया है और उनको बुरा लगता है तो चिढ़ेंगे, जो गोदी मीडिया है उनको बुरा लगता है तो चिढ़ेंगे। तो हमको अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बैलेंस बात करनी पड़ेगी, जो नहीं होती है सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फिर उसमें आ जाएगा कि आप क्रिमिनल हैं, आप किसी को समर्थन करते हैं तो आप सेक्युलर हैं, ये आरोप भी लगने लगते हैं। तो अब आप बताइए ना कि मान लीजिए यूपी में हो गया मामला, कोल स्कैम में कोल घोटाले, कोल ब्लॉक्स कैंसिल किए गए थे कि नहीं किए गए, ये फैक्ट है कि नहीं है? क्यों कैंसिल किए गए? कन्विक्शन क्यों हुआ? कन्विक्शन इसीलिए हुआ ना कि घोटाला था। हम इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हम और कैसे नजरअंदाज, मैं तो अजय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पीएम का भाई चार्टर में घूम रहा है। मुझे अजय जी सारी चीजें भेज दें, अजय जी ट्वीट करें तो मैं भी रीट्वीट करता हूँ। पीएमओ को मैं तो कह रहा हूँ कि मैं पीएमओ को टैग करके रीट्वीट करूंगा जो अजय जी कर रहे हैं, नहीं तो मुझे भेजे, मैं करता हूँ। इतना मादक दिखाएं, मैं यहाँ बोल के भाग नहीं जाऊंगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको करता हूँ। अगर कोई आदमी है और मैं वो पत्रकारिता नहीं करता हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं और ये जाके, जो आदमी ये काम कर सकता है इसको इंफॉर्मेशन, ऐसे लोगों को बहुत सारे पीआईएल डालने वाले लोग हैं, नहीं हो तो मुझे बताएं, मैं 2-4 PIL वाले को कनेक्ट करा देता हूं। इस पर केस होना चाहिए। अगर अगर प्रधानमंत्री के परिवारजनों पर भ्रष्टाचार का एक भी वो है तो अनिल जी को, अरे सॉरी अजय जी को डॉक्यूमेंट भेजने चाहिए। मैं पास ऑन करूंगा जो पीआईएल करते हैं वो लोग करें, लेकिन लेकिन हमको ये सारी चीजें जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। ठीक बात है, मैं इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ इसी दिशा की ओर ले जाकर के, जो भी है वो चीजें क्रिस्टल क्लियर के तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो शक के दायरे में है, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
उस पर जांच भी होनी चाहिए, लेकिन अगर चिन्हित करके किया जा रहा है तो सवाल उठेंगे। और ईडी जिस दिशा में काम कर रही है और जैसे काम कर रही है उसमें अभी तक यही बात सामने सामने आती है कि वो सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं जो भाजपा नहीं है, और भाजपा में सारे ईमानदार हैं वो चाहे पहले हो और चाहे ईडी की छापे के बाद जब वो एंट्री वापस ले लेते हैं, भाजपा में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो सब कुछ शांत हो जाता है। ना उनके पास फिर पैसे की समस्या रह जाती है, ना उनके पास किसी ब्लैक, ये देखिए प्रधानमंत्री के भाई चार्टर्ड प्लेन में ये देख लीजिए, और इसके बाद अपने घर की भी फोटो दिखाई देता हूं, मेरे घर पे वो भी दिखाई देता हूं। इसके बाद में आप कहिए ना, अजय जी प्रहलाद मोदी जी के चक्कर में तो नहीं पड़ा जाएगा? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं जो चीज कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं साबित, और मैंने अपने रिपोर्टर्स को सदैव मीटिंग में मैं एक ही चीज कहा करता था कि जो आप साबित नहीं कर सकते वो आपको लिखने का बोलने का अधिकार नहीं है, और मैं वही बोलता हूं जो मैं साबित कर सकता हूं। तो मैंने क्या कहा, और मैंने एक 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 और चीज बोल दूं हरकेश जी, मैंने जो जो बातें कही हैं वो सिद्ध करने की हैसियत रखता हूं। दूसरी बात यह, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर किसी घोटाले में नहीं था, ये बात नरेंद्र मोदी के शासन में काल में आए फैसलों में साबित हुई है, तो बिल्कुल साबित हुई है। आप देखिए सेक्रेटरी को सजा हुई है, एक भी पॉलिटिशियन का नाम उसमें नहीं है, और उसमें लिखा है बाकायदे, यदि पढ़िएगा जजमेंट में, कि किसी पॉलिटिकल उससे अप्रूवल भी नहीं ली गई थी। अजय जी, तो ये इस बात का ये इस बात का सबूत है। मनमोहन सिंह मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कौन मिनिस्टर थे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल कोई मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से कोई अप्रूवल नहीं ली गई, ये बात कोर्ट के जजमेंट में है, पढ़िए, इसीलिए पढ़ के ही बात किया की मनमोहन सिंह ने कहीं भ्रष्टाचार किया था तो मनमोहन सिंह के घर पे ईडी भेजिए, किसने मना किया सर, वो आप नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आपकी आपकी वो हैसियत नहीं है। अरे ये बात मत कीजिए, प्राइम मिनिस्टर को किस लिए, प्राइम मिनिस्टर पर ईडी भेजी जा सकती है, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल भेजी जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर पर नहीं नहीं भेजी जा सकती है, वो आज पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता ही नहीं है, कानून ही नहीं पता है, पढ़िए पढ़िए कानून पढ़िए, मैं वकील हूँ। पूर्व प्राइम मिनिस्टर पर भी नहीं भेजी जा सकती है? अरे आपके कहे से नहीं भेजी जा सकती, पढ़िए कानून को पढ़िए, आपसे ज्यादा मुझे कानून पता है। अरे सर आपसे ज्यादा पता है, मुझे वकालत भी इसलिए नहीं करी है, वकालत भी करी है और सारे केसेस देखे इसलिए बहुत पता है। मुझे 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 कानून मत बताइए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, अदालत में भी गए, सजा भी हुई, सारी चीजें हुई, ऐसा नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।